हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज 11 जुलाई 2023 को अपने 10 के सब्सक्राइबर हो गए, यानी कि अपने यूट्यूब फैमिली 10 के की हो गई है। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप सबका प्यार और सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। तो गाइस, आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेते आता रहूंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो गाइज, प्लीज जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो? वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, तो आप सपोर्ट अपना दिखा सकते हो, और कमेंट करके मोटिवेशन भी दे सकते हो, मोटिवेट भी कर सकते हो गाइज। तो थैंक यू वेरी मच अगेन गाइज, बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना। तो आज गाइज, मैं आपके लिए 12 जुलाई के 4 ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल यानी कि 12 जुलाई 2023 को लेके रख सकते हो। उससे पहले अपने जो 11 जुलाई को जो ट्रेड दिया, तो उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे चलेंगे, और यहाँ पे अपने कल एक नेलको दिया था, क्लियर कट बोला था 716 के ऊपर, 748 का टारगेट है। तो आपको क्या करना है, बाय करना है। तो आज देखोगे तो नेलको का हाई कितना था, 787 के आसपास था। तो ऑलमोस्ट टारगेट वहां पे अपना डन हो चुका है। IDFC 113.4 के ऊपर बाय बोला था, सॉरी 113 के ऊपर बाय बोला था, 114.8 अभी रनिंग है। क्योंकि रनिंग का मतलब ये होता है कि गाइज, आपका स्टॉप लॉस हुआ नहीं, टारगेट भी नहीं आया। जो टाइम पीरियड दिया वहां तक आप होल्ड रखोगे तो वो टारगेट अचीव हो सकता है। मेन इंफ्रा 112.1 के ऊपर बाय था, अभी 112.45 चल रहा है, वो भी रनिंग में। HPL में 171 के ऊपर बाय था, 169 के आसपास चल रहा है, वो भी रनिंग में। अगर आपको इसका स्टॉप लॉस और टारगेट देखना है, टाइम पीरियड देखना है, तो कल का वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बताने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो गाइज, ये हो गया अपना कल का परफॉर्मेंस। उसके अलावा गाइज, अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हो। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने जो प्रीमियम मेंबर्स है वो नई स्टाइल से, जो यानी कि पुराने में जो गलतियां कर रहे थे वो नहीं कर रहे। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पोजीशन साइज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है नए व्यू में। जो पहले गलती करते थे वो नहीं कर रहे, तो अभी वो रोज मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट आती है रोज, सब आपको अपलोड करके नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको कभी कभी थोड़ा शेयर करता हूँ कि देखो अपने प्रीमियम मेंबर भी पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ होल्ड करके रखते हैं। प्रॉपर टारगेट आए तब तक होल्ड करके रखते हैं। तो अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल लेनी है तो यहाँ पे जाके आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग मिलेगा, SIP स्टॉक मिलेगा, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी अपने चलेंगे, मैं आपको पहला स्टॉक बताऊंगा जो आपको कल बाय करना है। स्टॉक का नाम रहेगा नेटको फार्मा। नेटको को फार्मा को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो अपने क्या करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर ही बाय करेंगे। बाय करने का गाइस देखो अपने सिंपल सा रीजन होता है, अपने क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक होता है उसका सपोर्ट और सप्लाई और डिमांड ढूंढते हैं, और वहां पे स्टॉक आता है तो वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, वहां से स्टॉक बाउंस बैक आने के बहुत हाई चांस होते हैं। तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि अपने 5 जुलाई को एक BDL दिया था, उसमें क्लियर कट वीडियो में बोला था, मैं आपको बताऊंगा बाद में। सॉरी। तो यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम रहेगा नेटको फार्मा। गाइस आज थोड़ा लेट हो गए, देखोगे तो 10 बज रहे, क्योंकि वो 10K का सेलिब्रेशन कर रहे थे, केक कटिंग कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी देखो क्या करना है आपको, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्टेड, ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट, यानी कि आपको क्लियर कट यहाँ पे क्या कर रहा है, दिख रहा है रिजेक्शन दिख रहा है। यहाँ से नीचे आया स्टॉक, ऊपर गया रिजेक्शन, ऊपर गया रिजेक्शन, ऊपर गया रिजेक्शन, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर गया स्टॉक। लेकिन अभी स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है, और जैसे ही गिरेगा तो उसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का 2 बार सपोर्ट है, 3री बार सपोर्ट है, 4थी बार भी सपोर्ट है। कल आपको मैंने क्लियर कट बोला था नेलको में, जब भी कोई ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऐसा 3 बार से ज्यादा आता है तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं, वहां से स्टॉक 90% बाउंस बैक आता है। नेलको में सेम टू सेम ऐसा ही हुआ, और वो स्टॉक ने 7-8% की रैली ऊपर की साइड दिखाई। सॉरी। तो यहाँ से क्या हो सकता है, स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बाद भी स्टॉक गिरेगा तो आपको क्या मिलेगा, डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ से स्टॉक फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो आपको ये स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। अभी CMP 673 के आसपास है, तो 665 जैसे ही आता है कल स्टॉक तो बाय करना है। 648 का स्टॉप लॉस लगा के फिर से स्टॉक ऊपर की साइड 700 के लेवल 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकते हैं। तो अपना पहला स्टॉक हो गया जो आपको कल बाय करने का ट्राई करना है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अपने BDL में क्लियर कट यहाँ पे सेम पैटर्न था। आप देखोगे तो ये सप्लाई था, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, डिमांड, और यहाँ पे 1060 का लो मारा था, और अपने यहाँ पे 5 जुलाई को रिकॉर्डिंग किया था, और यहाँ पे 6 जुलाई की वीडियो आप देखोगे इंट्राडे की, तो वहां पे क्लियर कट बोला था कि
बीडीएल को आपको तब 1127 के आसपास चल रहा था, तब क्लियर कट बोला था कि आपको 1127 पे बाय नहीं करना, ये जोन में आएगा जब 1090 के आसपास तो बाय करना है। तो स्टॉक नहीं देखोगे तो 1077 का भी लो मारा, और उसके बाद आज देखोगे तो स्टॉक 1230-40 के ऊपर भी स्टॉक गया हुआ था। तो ये पावर होता है डिमांड जोन का, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे स्टॉक जब भी डिमांड जोन में आए वहां से बाय करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मैच हो जाएगा। यहाँ पे अपना सिर्फ ₹30 के रिस्क में आप अच्छे मतलब रिवॉर्ड ले सकते थे। तो ये अपना बीडीएल का ऐसा ही एग्जाम्पल बताया कि जो आपने दिया था और बोला था कि आपको जब भी ये स्टॉक वो लेवल में आए तो बाय करना है। तो सेम टू सेम नेटको फार्मा को भी आपको मिस नहीं करना है, कल या परसों जब भी डिप मारे 665 के आसपास तो आपको ये बाय करना है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है आरएमएल। आरएमएल को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम है आरएमएल, बाय करने का रीजन है रेसिस्टेंस बिकम सपोर्टेड, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, स्टॉक ने ब्रेकआउट देके ऊपर गया, तो ये ब्रेकआउट कैंडल हो गई। तो यहाँ पे आपका सप्लाई जोन होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेकआउट के बाद डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, दूसरी बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और एक तीसरी बार लिया, यानी कि जब भी तीसरी बार या उससे ज्यादा लेता है तो वो कन्फर्म हो जाता है, यहाँ से स्टॉक 90% रिवर्स मारते हैं। तो ये आपका सपोर्ट कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन भी है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तो रिवर्सल पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसके हाई के ऊपर आपका बाय बनता है, इसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैंने आपको दो लेवल बता दिए, अगर ऊपर पहले ब्रेक करेगा तो बाय करना है, अगर पहले नीचे ब्रेक करेगा तो वो आपका इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। अभी सीएमपी कितना है, मैंने यहाँ पे टाइप करने में गलती कर दी, आप ध्यान से देखोगे तो इसका सीएमपी 661 के आसपास होगा, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 662 के आसपास हो गए। तो आपको ये स्टॉक को कब बाय करना है, 690 के ऊपर बाय करना है, वो आपको ध्यान में रखना है, 660 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट रहेगा वो 650 के रहेंगे। 1 से 3 दिन में स्टॉक ले लेवल दिखा सकता है, तो टारगेट में भी थोड़ी गड़बड़ की है, एक्चुअली 750 के टारगेट आने चाहिए। तो आपको ये स्टॉक को बाय करना है, कब बाय करना है, 690 के ऊपर जाएगा तभी बाय करना है। अगर कल स्टॉक 660 के नीचे पहले चला जाता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है शांति गियर। शांति गियर को आपको बाय करना है, उसके पीछे का आपने लॉजिक देख लेते हैं, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है शांति गियर, बाय करने का रीजन है सप्लाई डिमांड सेटअप पे बाउंड्री विद ADX है। तो यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया। आप इसको क्या बोलोगे, ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे, तो आपका पूरा डिमांड जोन का काम करेगा। और स्टॉक ने ऐसे ही हुआ, जैसे ही नीचे आया यहाँ से डिमांड जोन लेके फिर से स्टॉक ऊपर गया तो आपका रिवर्सल कंफर्मेशन हो चुका है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो अभी सीएमपी 462 के आसपास है, तो स्टॉक को हल्का सा गिरावट पे बाय करना है, 460 के आसपास बाय करना है, 446 का स्टॉप लॉस होगा, 490 के टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। क्योंकि अपने को ये सेटअप क्या बता रहा है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक ही गिर सकता है, बाउंड्री विद ADX से अपने को पता चलता है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक ही गिर सकता है, यहाँ से अगर थोड़ा भी गिरेगा तो भी यहाँ से फिर से बाउंस बैक आ जाएगा। तो ये स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए, 460 के आसपास मिलता है तो बाय कर सकते हो। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है ITD सीमेंटेशन इंडिया। तो ITD सीमेंटेशन इंडिया को बाय करना है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है ITD सीमेंटेशन इंडिया। ये स्टॉक को आपको 1 से 10 दिन होल्ड रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो इसमें भी अच्छे टारगेट आ सकते हैं, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, तो ये आपका सप्लाई जोन, यहाँ पे डिमांड जोन का काम करेगा। और स्टॉक ने ऐसा ही किया, यहाँ पे जैसे डिमांड जोन में आया यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर चला गया और आपका कंफर्मेशन हो गया है। और नीचे से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, दूसरी बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसको आप तीसरी बार काउंट करोगे तो इसको आप चौथी बार काउंट करोगे, तो 4 बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, यानी कि स्टॉक यहाँ से ऊपर अभी ब्लास्ट होने के लिए रेडी है। और ऑलरेडी उसका जो कंसोलिडेशन पीरियड था आप देखोगे तो 10 से 15 दिन का हो चुका है। तो स्टॉक यहाँ से कल या परसों ही फटेगा, तो आपको ये स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, कल ओपन प्राइस पे ही बाय करना है यहाँ से। होपफुली मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 1 या 2 दिन में बड़ी कैंडल बना के स्टॉक ऊपर चला जाएगा, तो आपको उतना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बोला उसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, कल या परसों की जगह 2 दिन बाद भी स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। तो आपको अभी सीएमपी 166 के आसपास है, तो कल ओपन प्राइस पे ही बाय करना है, 155 का स्टॉप लॉस है, 190 का टारगेट है, ना कि आपको यहाँ से देखोगे तो ₹25 का गेन है और स्टॉप लॉस है आपका ₹11 का, तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया है और 1 से 10 दिन में 190 के लेवल भी ये स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, 1 से 10 दिन में टारगेट अचीव हो सकता है।
तो ये अपना चौथा और आखिरी स्टॉक था जो आपको कल बाय करना है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ बाय करना है। जो स्टॉप लॉस लेवल दिया है वो आपको फॉलो करना है, अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहां पे आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखोगे तो अगर आपकी एक्यूरेसी 50% रहेगी तो भी आप मार्केट से पैसे कमा सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के सर्विस लेनी है तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, वहां जाके आप ले सकते हो। गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।